डहर उप तहसील के डहर स्कूल ग्राउंड में डहर प्रीमियर लीग डीपीएल टी20 सीजन 6 2018-19 का धूमधाम से आगाज हुआ। डीपीएल 6 के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य सोहन लाल ठाकुर ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के शुभारंभ अवसर पर पधारने पर डीपीएल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डीपीएल टीमों के खिलाड़ियों को स्थानीय खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। संयोजक राज कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि सोहन लाल ठाकुर को टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि सोहन लाल ठाकुर के कर कमलों द्वारा डीपीएल 6 की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। डीपीएल संयोजक राज कुमार शर्मा ने डीपीएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि डीपीएल टी20 के 5 सीजन की अपार सफलता के बाद इस प्रतियोगिता के 2 खिलाड़ी कार्तिक शर्मा अंडर 14 और गिरिराज सोनी अंडर 16 टीमों में चयन हुआ है और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे डीपीएल 6 में इस मर्तबा 7 टीमों में 100 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डीपीएल 6 के आगाज के उपलक्ष्य पर डीपीएल प्रधान द्वारा विशेष रूप से स्टार डांस अकादमी बिलासपुर के कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस वर्ष कुल 7 टीमें खिताबी जंग हेतु डहर स्कूल ग्राउंड में प्रत्येक रविवार को टी20 मैच खेलेंगी और ये टूर्नामेंट 2 महीने से ज्यादा समय तक जारी रहेगा। मुख्य अतिथि सोहन लाल ठाकुर ने अपने संबोधन में डीपीएल प्रबंधन को ग्रामीण स्तर पर इतने बड़े भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के अंदर छुपी खेल प्रतिभा को मंच प्रदान होता है और उसे तराशने का अवसर प्रदान होता है। वर्तमान में युवा मोबाइल इंटरनेट और नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से युवा बुरी लतों व संगत से दूर रहने से मील का पत्थर साबित हो रहा है। सोहन लाल ठाकुर ने स्वेच्छा से डीपीएल प्रबंधन को 21,000 रूपए भेंट किए। इस अवसर पर डीपीएल शुभारंभ कार्यक्रम में कई पंचायतों के प्रतिनिधि, संस्था के मुखिया व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो खेल में रुचि रखती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। इस क्षेत्र के सभी नौजवानों से ये उम्मीद रखता हूँ कि हर साल जैसे ये प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट प्रतियोगिता खत्म होती है तो हमारा हर नौजवान एक लक्ष्य संकल्पित करे कि नेक्स्ट ईयर जब ये लीग प्रतियोगिता होगी तो मुझे उसमें चुना जाए। और अपनी तरफ से जो आप इस खेल के लिए आयोजन कर रहे हैं, युवा साथियों को एक मौका दे रहे हैं अपनी प्रतिभागी बनने का, जो आयोजन कमेटी को अपनी तरफ से 21,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं, ताकि